नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद नेता तेज प्रताप यादव आज हरनौत के श्यामनगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बख्तौर के पूजा समारोह के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता तेज प्रताप यादव का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, पूजा समारोह के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरह से शराबबंदी के बाद चूहा शराब पी गया था, अब उसी तरह से शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद अब चूहा विभाग के फाइलों को कुतर रहा है। तभी तो 40,000 विभाग की फाइलों को चूहे के द्वारा पूरी तरह से कुतर दिया गया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस गए हैं। तभी तो नीतीश सरकार सबूत को मिटा रही है। सरकार समझ चुकी है कि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार सरकारी फाइल को सुरक्षित नहीं रख पा रही, तो क्या वे बिहार को सुरक्षित रख पाएंगे? इसलिए सरकार इसकी जांच CBI से कराने को काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पूजा समारोह के समापन के अंत में तेज प्रताप यादव ने CM के गृह प्रखंड हरनौत बांसुरी बजाकर आने वाला संविधान सभा चुनाव 2020 का आगाज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ बांसुरी बजाया है, आने वाला चुनाव के वक्त सुदर्शन चक्र चलेगा, जिससे विरोधियों का पूरी तरह से सफाया। बांसुरी बजाकर चुनावी शंखनाद किया है, क्या लगता है आपको? मैंने बांसुरी बजाया, शंखनाद अभी बाकी है। शंखनाद भी हो गया, बांसुरी बज गया है, ऐसे पूरा दुश्मन का सफाया होगा, बिहार में अपना सरकार गरीब का आएगा। सुदर्शन चक्र के बारे में मैंने कहा कि चुनाव में सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सुदर्शन तो चलता ही है, तो युद्ध में तो चक्र तो चलता है। क्या लगता है जो सफाया होगा? बांसुरी बजाकर चुनावी शंखनाद किया है, क्या लगता है आपको? मैंने बांसुरी बजाया, शंखनाद अभी बाकी है, शंखनाद भी हो गया, बांसुरी बज गया है, ऐसे पूरा दुश्मन का सफाया होगा, बिहार में अपना सरकार गरीब का आएगा। सुदर्शन चक्र के बारे में मैंने कहा कि चुनाव में सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सुदर्शन तो चलता ही है, तो युद्ध में तो चक्र तो चलता है। क्या लगता है जो सफाया होगा? सफाया होगा।